नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। पाकिस्तान लड़ेगा, हजार सालों तक लड़ेगा। अगर भारत बॉम्ब बनाएगा तो हम घास खाएंगे, भूखे भी रहेंगे, लेकिन हम भी अपना बॉम्ब जरूर बनाएंगे। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये प्रख्यात शब्द 70 के दशक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा कहे गए थे। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान का यह अत्यंत महत्वाकांक्षी राजनेता दशक का अंत देख पाता, उसे अपनी फौज के चीफ द्वारा फांसी पर टांग दिया जाता है। और यहां से शुरू होती है पाकिस्तान के धार्मिक अतिवाद, विदेशी कर्जे और फौजी चंगुल में धंसते चले जाने की वो कहानी, जिसका क्लाइमैक्स अब निकट आ चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों की लैंड ऑफ प्योर, यानी के पवित्र धरती के पास आज परमाणु बम तो जरूर है, लेकिन खाने को रोटी नहीं है। आज 50 साल बाद भुट्टो के वो शब्द पूरी तरह सच हो चुके हैं और भूख से तड़प रही पाकिस्तान की आम जनता वास्तव में घास खाने को मजबूर है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि परमाणु हथियार तो और भी कई देशों ने बनाए, लेकिन वहां के आर्थिक हालात तो इतने खराब कभी नहीं हुए। वहां तो 5 किलो आटे के लिए लोगों को एक दूसरे से नहीं लड़ना पड़ रहा। वहां किराने की दुकानों और मुर्गी फार्म्स पर हथियारधारी लूटपाट नहीं हो रही। फिर केवल पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही कर देंगे, मैं आप ही लोग भांडे भूडे धो के किसी ने थोड़े देते बहुते देते अपने बच्चों के पेट पालती फिर बस खुश तो रहना पीता। अल्लाह की जात ना खुश रहेंगे तो की करेंगे? जो उन्हें पा दी थी कटनी तो है ही है ना, कभी मेहनत नहीं सी की लोगों ने, हूँ करनी है। पड़ोसी देश में हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, उसे कुछ इस तरह समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपकी जेब में 300 रुपए हैं, तो आप मुश्किल से 1 किलो आटा ही खरीद पाएंगे, जबकि यहाँ भारत में इतने पैसों से आप एक पार्टी साइज पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं और के कैश ऐप का प्रयोग कर इसके ऊपर 100 रुपए का कैशबैक भी ले सकते हैं। सस्ते दामों में अपनी मनपसंद डिश ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपके कैश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर वही कीजिए जो पिछले महीने मैंने किया था। मैं के कैश ऐप में स्विगी स्टोर पर गया, जहां मुझे अनेकों ऑफर्स देखने को मिली। मैंने पिज्जा के ऊपर 25% वाली ऑफर को चुना और कूपन कोड को कॉपी करने के बाद शॉप नाउ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मैंने अपने पिज्जा को कार्ट में डाल दिया। केवल कुछ ही मिनट बाद मेरा ऑर्डर ट्रैक हो गया और मेरे के कैश वॉलेट में 100 रुपए का कैशबैक पेंडिंग स्टेट में दिखाई देने लगा। मतलब कोई 10% मुझे स्विगी से मिला और 15% के कैश से। लगभग 20 दिनों के अंदर स्विगी ने मेरी परचेज को कंफर्म कर दिया और मेरे के कैश वॉलेट में 100 रुपए पेंडिंग से कंफर्म हो गए। आप खुद देख सकते हैं कि मेरे द्वारा की गई अलग अलग परचेजेस पर अभी तक मुझे पूरे 5,000 रुपए कैशबैक के रूप में मिल चुके हैं, जिन्हें मैं UPI के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर चुका हूँ। इस ऐप की सबसे बड़ी USP यह है कि हर परचेज के बाद आपको गारंटीड कैशबैक मिलेगा, जिसे आप 3 माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं: बैंक अकाउंट, UPI या फिर आपका पेटीएम वॉलेट। खाना ही नहीं कि कैश का प्रयोग कर आप सैकड़ों अन्य कैटेगरीज में भी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थ, ग्रोसरीज और यहां तक कि मूवीज और इवेंट्स के टिकट्स भी। के कैश पर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको रेप्यूटेड और विश्वसनीय ब्रांड से मिलेंगे, जैसे कि मिंत्रा, आजियो, बोट, फ्लिपकार्ट इत्यादि। सामान खरीदने के अलावा आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रेफर करके भी कैशबैक कमा सकते हैं। जब भी आप अपने किसी फ्रेंड या परिवारजन को ऐप रेफर करेंगे, तो उनकी पहली परचेज पर आपको पूरे 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा और दोनों को लाइफटाइम परचेजेस का 20% भी। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और अभी के अभी के कैश ऐप को डाउनलोड कर डिस्काउंटेड खरीदारी का आनंद लीजिए। और हाँ, मेरा एक कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। 23 जनवरी 2023। इस दिन की सुबह पाकिस्तानियों के लिए ठंडी होने के साथ साथ एक अंधेरी सुबह भी थी। इस सुबह जब पाकिस्तानी सोकर उठे तो उनके घरों में बिजली नहीं आ रही थी।
जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो उन्हें आभास हुआ कि यह कोई नॉर्मल पावर आउटेज नहीं है, बल्कि अगले 22 घंटों तक रहने वाला वो अंधकार है जो पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले चुका है। 23 जनवरी का अंधकार सिर्फ अंधकार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति का एक प्रतिबिंब था। कंगाली के दहाने पर खड़े पाकिस्तान के घनघोर काले स्याह भविष्य का प्रतिबिंब। बिजली की आउटेज से पैदा हुआ यह अंधकार उन करोड़ों पाकिस्तानियों की दुर्दशा का प्रतीक था जो पिछले कई महीनों से आसमान छूती महंगाई और खाने की कमी से जूझ रहे हैं। इस समय एक आम पाकिस्तानी के मन में आखिर क्या चल रहा था, इसे पाकिस्तान के गायक अली आफताब सईद ने अपने 2 साल पुराने गाने को सोशल मीडिया पे शेयर करके समझाने का प्रयास किया। किथे जाइए किन्नु मिलिए सारे शहर दिबती गईए साडे दुख ते जगदा खासा। यदि एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक अपने इतिहास का सबसे बुरा आर्थिक समय देख रहा है और जमीनी हालात अब लगभग श्रीलंका जैसे हो चुके हैं। पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अमेरिका में उसकी एम्बेसी बिल्डिंग के ऊपर फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया गया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट्स में 60% का योगदान दिया करती थी, वो महंगी बिजली के चलते आज बंद होने की कगार पर आन खड़ी हुई है और ऊर्जा बचाने के लिए शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, वेडिंग हॉल्स और बाजारों को अपने वर्किंग आवर्स कम करने के आदेश दे दिए गए हैं। इंपोर्ट्स के लिए पैसे की कमी के चलते कराची बंदरगाह पर 10,000 से ज्यादा कंटेनर्स अनलोडिंग के इंतजार में खड़े हुए हैं। कंटेनर्स जिनमें खाने की जरूरी चीजें, जीवन रक्षक दवाइयां और अत्यंत आवश्यक मशीनें लदी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी बैंक्स ने इंपोर्टर्स को नए लेटर्स ऑफ क्रेडिट इशू करने से साफ इनकार कर दिया है। यदि फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो 27 जनवरी 2023 तक पाकिस्तान के रिजर्व $3.1 बिलियन पर आ चुके हैं, जबकि इस क्वार्टर में उसे $8 बिलियन का तो केवल उधार ही वापस चुकाना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताबों में दिवालियापन की परिभाषा यही दी गई है कि जब आपके सर पे चढ़ा उधार आपकी जेब में पड़े पैसों से कहीं ऊपर चला जाए तब आप एक दिवालिया कहलाए जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो पाकिस्तान की जेब में मात्र इतने पैसे बचे हैं जिनसे केवल 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स पूरे किए जा सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तानी रुपए का भी है। केवल 2 हफ्तों के भीतर डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की मुद्रा 240 से 275 को पार कर चुकी है। रुपए में आई इस तेज ढलान के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए दैनिक जरूरत की चीजें आयात करना लगभग असंभव हो चुका है। हालात अब ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 पढ़ा लिखा युवक अपना देश छोड़ बाहर जाना चाहता है, और वो बड़ी तादाद में ऐसा कर भी रहा है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के अनुसार साल 2022 में 8 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवक पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, एक आंकड़ा जो 2021 के मुकाबले 20% ज्यादा है। पढ़े लिखे पाकिस्तानी का इतनी तेजी से बाहर जाकर बसना भले ही रेमिटेंसेस के रूप में पाकिस्तान को लाभ पहुंचाए, लेकिन भविष्य में उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है, समस्या जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। यदि बात इन्फ्लेशन रेट यानी के महंगाई दर की जाए तो 1975 से आज तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर 27% को पार कर चुकी है। PBS के मंथली इन्फ्लेशन बुलेटिन के अनुसार महंगाई की सबसे ज्यादा मार पाकिस्तान के गांव देहात में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ी है। यह इन्फ्लेशन रेट शहरों के मुकाबले कहीं ऊपर रहा है, और नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की 2/3 आबादी देहात में ही रहती है। इस समय पाकिस्तान में आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी, नीरी सूखी रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है, और इसके कारण है आटे की शॉर्टेज और अत्यंत ऊंचे दाम। वर्तमान में पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे गंभीर गेहूं संकट का सामना कर रहा है। सरकार गेहूं की सप्लाई और डिमांड के बीच के फासले को पाटने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, और इसके परिणाम स्वरूप मार्केट में आटे की कीमत 250 रुपए किलो को पार कर चुकी है। गेहूं उगाने के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास है, लेकिन फिर भी वो सालों से लाखों टन गेहूं हर महीने इंपोर्ट कर रहा है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जब भारत के अंदर 1 किलो आटे की कीमत में 9 रुपए की गिरावट देखने को मिली, तब हमारे पड़ोसी देश में लोगों को उसी आटे के लिए कुछ ये करना पड़ रहा था। मरद, मरद, मरद। वदर, वदर, सोकर, सोकर, सोकर।
सौखा 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 इस समय पाकिस्तान में आटे की एक नान 35 रुपए और रोटी 30 रुपए की बिक रही है और इसके मुख्य कारण है गेहूं के लिए पाकिस्तान की आयात पर अति निर्भरता, रशिया यूक्रेन युद्ध और प्रकृति की मार। साल 2020 में पाकिस्तान द्वारा 1.01 बिलियन डॉलर्स मूल्य का गेहूं इंपोर्ट किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं यूक्रेन से खरीदा गया था और बाकी का रशिया से। एक तरफ तो इन दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध ने गेहूं की सप्लाई को बाधित कर दिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आई बाढ़ के चलते घरेलू उत्पाद में भी खासी कमी आ गई। नतीजा ये हुआ कि आम पाकिस्तानी एक दूसरे के मुंह से रोटी छीनने को मजबूर होता चला गया। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए आटा, नहीं चाहिए हमें। जो 11 बजे तक गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जो कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। आटे की तरह दालों ने भी पाकिस्तान की जनता से अपना मुंह फुलाया हुआ है। पिछले 2 महीने से कराची बंदरगाह पर दालों से लदे 6,000 कंटेनर्स खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के पास उन्हें देने के लिए डॉलर्स ही नहीं हैं और इसी के चलते पाकिस्तानी बैंक्स आवश्यक इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जारी नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम वश आटे की तरह दालों की कीमत भी आसमान छूती जा रही है। डॉन अखबार के अनुसार इस समय पाकिस्तान में चने की दाल का मूल्य 205 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है, एक मूल्य जो 1 जनवरी 2023 के दिन 180 और 1 दिसंबर 2022 के दिन 170 रुपए प्रति किलो था। ऐसे ही मसूर की दाल भी दिसंबर में 200 रुपए से आज 225 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। उड़द की दाल 315 से 355 और मूंग की दाल 225 से 260 रुपए प्रति किलो पर आ चुकी है। कहने का मतलब ये कि एक आम पाकिस्तानी के लिए अपने बच्चों को दिन में 2 बार पेट भर के खाना खिलाना लगभग असंभव हो चुका है। एक बढ़ती उम्र के बच्चे के लिए जिसे बैलेंस डाइट माना जाता है, यानी कि 2 ग्लास दूध, 4 अंडे, दाल, चावल, रोटी, फल और सब्जियां, आज ये सब अपने बच्चों को दे पाना एक आम पाकिस्तानी के बस से पूरी तरह बाहर हो चुका है। इस वक्त जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है, ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है, बच्चों को क्या भूखा मार दूं? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पायलट फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार की माने तो पाकिस्तान के हालात ठीक करना अल्लाह की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था, इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। डार के इन चंद शब्दों में पाकिस्तान की सारी समस्याओं का सार छिपा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान के फौजी हों या फिर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स हों, पत्रकार या फिर खिलाड़ी, ये सभी के सभी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमेशा से ही धर्म को ढाल बनाते आए हैं। एक राष्ट्र की नींव रखते समय जब आपके पास सिद्धांतों, रणनीति और दूरदृष्टि की जगह सिर्फ और सिर्फ धर्म हो, दूसरे समुदायों के प्रति नफरत हो, तो फिर उस राष्ट्र का हाल कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि आज पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान जैसा एक देश जिसे ये कहकर बनाया गया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकते, वहाँ आज मुसलमान ही मुसलमान को रोज मार रहा है। TTP जैसे आतंकी संगठन आए दिन पाकिस्तान की फौज, पुलिस और आम आदमी को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति आज बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है और पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े धार्मिक राजनेता उस ढेर के ऊपर खड़े हो धर्म की माचिस सुलगाने में लगे हुए हैं। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शरायत मनवाता है, क्यों जा रहे हो? काजी, मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मईशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ,
और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के सिलेंडर ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं, सारी कायनात की नेमतें। इन महाशय का नाम है साद रिजवी और ये पाकिस्तान के अतिवादी संगठन TLP के सर्वे सर्वा हैं। आज वर्तमान में TLP पाकिस्तान की चौथी सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी है, जिसे पिछले कुछ चुनावों में करोड़ों के हिसाब से वोट्स मिले हैं। मतलब ये कि दूसरे धर्म के लोगों को काफिर मानने वाला साद रिजवी एक दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है और पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का बटन उसके अंगूठे के ठीक नीचे हो सकता है। ये एक ऐसा भयावह विचार है जो आने वाले समय में वास्तविकता का रूप धारण करने की पूरी पूरी संभावना रखता है। एक तरफ तो पाकिस्तान में TTP ने पहले ही कहर बरपाया हुआ है, दूसरी तरफ बलोच बागियों के साथ साथ अब आम बलोचों ने भी हथियार उठा लिए हैं और उनके निशाने पर है पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इरादे लेकर आया चीन, जो बलोचों को भागीदार बनाए बिना CPAC की आड़ में बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर मालामाल होना चाहता है और चीन की इसी मंशा को नाकाम करने के लिए आए दिन बलोच उसके नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के राजनीतिक वर्ग के कानों पर अभी भी जूं रेंगने का नाम नहीं ले रही। अपने देश की आंतरिक स्थिति की वास्तविक गंभीरता से अनभिज्ञ पाकिस्तान के समृद्ध राजनेता कुर्सी की रस्साकशी खेलने और अगले चुनावों के लिए खुद को मजबूत करने हेतु एक दूसरे की सलवार उतारने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी, जिसे एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। एक ऐसे वक्त में जब उसको राजनीतिक वर्ग के साथ एक पेज पर होना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी नेताओं से जुबानी जंग लड़ने और आए दिन उनके व्यक्तिगत ऑडियो वीडियो लीक करवाने में लगी हुई है। पाकिस्तान के ज्यादातर सरकारी व्यापार और संस्थानों के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फौजी ही बैठे हुए हैं और ये फौज ही है जो आधे से ज्यादा समय पाकिस्तान के ऊपर तानाशाह बन के राज भी कर चुकी है। इसीलिए अगर पाकिस्तान की बर्बादी के लिए फौज को 50% जिम्मेदार ठहराया जाए तो ये कतई गलत नहीं होगा। अब दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान के सामने ले देकर केवल एक ही विकल्प रह गया है, IMF से $6.5 बिलियन की अगली किश्त लेना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। इस पैसे के साथ IMF की कमर तोड़ देने वाली शर्तें भी आएंगी, शर्तें जिनसे पाकिस्तान की फौजी और राजनीतिक लीड के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आम पाकिस्तानी का बचा कुचा दम अवश्य निकल जाएगा। खुद को बचाने के लिए अगर पाकिस्तान IMF से पैसा लेता है तो उसे पहले ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाना होगा, तेल और बिजली की कीमतें और ज्यादा बढ़ानी होंगी। ऐसा करने से गंधक के स्रोत पर खड़ी पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति और ज्यादा विस्फोटक रूप ले सकती है और जिन्ना का इस्लामिक देश 4 अलग अलग हिस्सों में टूट भी सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने केवल दो ही विकल्प हैं, या तो वे IMF की शर्तों को माने या फिर अपने पद से इस्तीफा देकर घर चले जाएं। अगर वो दूसरा वाला रास्ता चुनते हैं तो IMF की शर्तों को लागू करने के लिए आर्मी एक केयरटेकर सरकार लेकर आएगी और उससे वो सारे निर्णय करवाएगी जो एक आम पाकिस्तानी का जीवन मौत से भी बदतर बना देंगे। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे पाकिस्तान का हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये हमारी गाड़ियां खाली जाती रही, इतनी 3-3 करोड़ों की गाड़ियां हैं। आज 2023 में जब दुनिया भर के देश और कंपनियां भारतीय कश्मीर में अरबों डॉलर्स का निवेश कर रहे हैं, तब टोयोटा जैसी बड़ी MNCs पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। कभी CPAC के सपने देख रहा चीन अपने इंजीनियर्स को घर वापस बुला रहा है और भूख से तड़प रहे पीओ के वासी सड़कों पर उतर आए हैं। माल बहुत महंगा है, जो हमारी पॉइंट से दूर हो गया है, हम बेबस हो गए, बार बार हमने मीटिंग भी की, इंतजामिया हमारे साथ कोई काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान की इस अत्यंत दयनीय दशा के लिए केवल दो ही कारक जिम्मेदार हैं। पहला, पाकिस्तान के हर क्षेत्र में फैला फौज का नाजायज प्रभुत्व और दूसरा, धर्म और राजनीति के तेजाब में डूबा हुआ अत्यंत घातक अतिवाद। एक बार बाहर निकलने के बाद धार्मिक अतिवाद के वायरस को वापस बोतल में बंद नहीं किया जा सकता, पर इस वायरस का इलाज करने के लिए आज तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी। ये एक ऐसा वायरस है जो सबसे पहले उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनके लिए ना ही उनके नेताओं ने कभी कुछ किया और ना ही उनकी फौज ने। करोड़ों लोग जिन्हें ना ही कभी नौकरी मिल पाई और ना ही रोटी, उनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म का एक संस्करण जिसमें उन्हें दूसरों से नफरत करना और अपनी बात मनवाने के लिए
हिंसा का प्रयोग करना सिखाया गया है। जुल्म का, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना आपका दीन आपको हुक्म करता है। जिहाद करना, जिहाद क्या है? जुल्म के सामने खड़े होना, नाइंसाफी का मुकाबला करना, अपनी आजादी के लिए खड़े होना, ये आपका फर्ज है। और अल्लाह ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि गुलाम की कोई परवाह नहीं है। जब एक राष्ट्र में इंसान को बचपन से सिर्फ ये सिखाया जाए कि पूरी दुनिया में केवल उसका धर्म ही सर्वोपरि है, जो उसके धर्म में नहीं मानता वो काफिर है और उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, तो उस राष्ट्र के साथ वो ही होता है जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हम सब अजान तक यहाँ पे बैठे होते थे और पूजा करते थे साईं की, और आज हमारा साईं का मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्यों तोड़ा? हमने क्या बिगाड़ा था इनका? हमारी मूर्तियाँ सब तोड़ी गई, अंदर हमारी सोने की भी मूर्ति थी उसके ऊपर तेल सिंदूर चढ़ा चढ़ा के वो अंदर छुप गई थी, वो सारी कहाँ गई? हमारे तस्वीरें थी बहुत सारी, वो सारी कहाँ गई? जब एक राष्ट्र की स्कूली किताबों से लेकर फिल्मों तक एक बच्चे को केवल यही सिखाया जाए कि उसके पड़ोस में रहने वाला हिंदू बच्चा उसके धर्म का एक दुश्मन है और उसे मारना दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सेवा, तब उस राष्ट्र के साथ वो ही होता है जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। मैं जानता हूँ मिस पाटिल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं, बल्कि बेशुमार भगवानों और एक अल्लाह के दरमियान है। लेकिन याद रखना, अल्लाह एक है और अल्लाह एक ही रहेगा। एक बात जो पाकिस्तान का राजनीतिक और फौजी नेतृत्व कभी नहीं समझ पाया वो ये कि नफरत और क्रोध का रिश्ता बिल्कुल गंधक और अंगार के रिश्ते समान होता है, और मनुष्य के दो भाव विनाशकारी होने के साथ साथ दिशाहीन होने की क्षमता भी रखते हैं। पिछले 75 वर्षों में पाकिस्तानी फौज और नेताओं ने ताकत की चाबी को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए करोड़ों लोगों को घृणारूपी अफीम की लत तो लगा दी, लेकिन वो ये भूल गए कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब पाकिस्तान में ना ही कोई हिंदू बचा होगा, ना ही कोई सिख और ना ही ईसाई। बस ऐसे समझो जमीन फट जाए, हम उधर चले जाए। आप यकीन नहीं करोगे, बस हम जहर लेने पे तुले थे। और वो दिन पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन सिद्ध होगा, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान से अल्पसंख्यक वर्ग का खात्मा तो हो गया होगा, लेकिन पाकिस्तानियों के मन में जम चुकी खीज और द्वेष का नहीं, अपने पेट में रोटी और सब्जी की जगह घृणा और क्रोध लिए घूम रहे वो बेरोजगार लोग, जिनके लिए डॉक्टर परवेज हुदबाई तो एक गद्दार हैं लेकिन साद रिजवी एक फरिश्ता, ऐसे करोड़ों लोग जिस दिन चाहें उस दिन पाकिस्तान की राजनीतिक और फौजी एलीट की बखिया उधेड़ सकते हैं, केवल कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान को सीरिया बना सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान के धनवान जनरल्स आखिर क्या करेंगे? वो परमाणु बॉम्ब जिसे उन्होंने भारत से लड़ने के लिए बनाया था, क्या उसे अपने ही लोगों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे? जिस पाकिस्तानी को भूखा मार इन जनरल्स ने विदेशों में संपत्ति खड़ी की, क्या वो उसी पाकिस्तानी का खून भी बहाएंगे? पाकिस्तान के सामने खड़ा ये संकट अकस्मात ही पैदा नहीं हुआ, और इसीलिए अकस्मात ही कहीं गायब भी नहीं होने वाला। अगर पाकिस्तान सच में इससे मुक्ति पाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने पड़ोसियों, खास तौर पर भारत से संबंध ठीक करने का प्रयास करना होगा, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। उसे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी धरती पर चल रही आतंक की दुकानों पर हमेशा हमेशा के लिए ताला मारना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान को भारत की होड़ करने से परहेज बरत अपने फौजी खर्चों में भारी कटौती करनी होगी, और अपनी फौज को देश के आंतरिक मामलों से बाहर रहने पर मजबूर भी करना होगा। नहीं तो वो दिन कतई दूर नहीं जब पाकिस्तान का आम आदमी अपनी ही फौज के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगा, जिसकी एक छोटी सी शुरुआत तो हो भी चुकी है। ये हमें मालूम है, ये जो ना मालूम है, ये हमें मालूम है।